सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुर्सी पर टिके रहने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने का आग्रह किया था, इसलिए उन्होंने ये पद स्वीकारा था। ऐसी प्रतिक्रिया संजय राउत ने दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। उन्होंने शांति से समझाया कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी तो वे मुख्यमंत्री बने। दीपक केसरकर एक दिन पहले मेरे साथ चाय पी रहे थे और मैंने शिवसेना के सपने को पूरा करने की कोशिश की और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आप किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? आपका नेता कौन है? अब आपको बर्तन धोने हैं। आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। और आज जो लोग सिटी बजाकर शरद पवार या मुझ पर आरोप लगा रहे हैं और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने जो भी ठेका मिला है उन्हें उखाड़ फेंके। मैं हर सुबह जय महाराष्ट्र करता हूँ, हमेशा पार्टी के साथ रहूँगा और मैं कल ईडी का सामना करने जा रहा हूँ। जो भी कार्रवाई की जाएगी उसका सामना करेंगे। मुझ पर पार्टी का काम न करने का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। स्वाभाविक रूप से पवार और मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उस समय नए थे, लेकिन उनके नेतृत्व के गुण क्या है यह देखने वाला पहला महाराष्ट्र है। ऐसी प्रतिक्रिया संजय राउत ने दी है। नक्कीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षप्रमुख यांनी काल मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला, स्वतः ते राज्यपालांकडे गेले। काल त्याच्या आधी त्यांनी महाराष्ट्रातल्या नव्हे तर देशाच्या जनतेशी संवाद साधला आणि महाराष्ट्रात कोण कशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आणि राजीनामा द्यावा लागला हे त्यांनी अत्यंत संयमी आणि सभ्य भाषेत सांगितलं। त्याआधी त्यांनी असंही सांगितलं की कशी आपल्याच लोकांनी दगाबाजी केली, आपल्याच लोकांनी खंजीर खुपसले पाठी आणि अशा पद्धतीनं एक वातावरण निर्माण झाल्यावर न्यायालयाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर खुर्चीला चिटकून राहण्यात काय अर्थ नव्हता आणि नाही, कारण ठाकरे कधीही सत्तेचे लालसी किंवा लोभी नव्हते आणि नाही। एका विशिष्ट परिस्थितीत माननीय शरद पवार साहेब आणि काँग्रेस नेतृत्वानं उद्धव ठाकरेंना राज्याची धुरा सांभाळण्याची विनंती केली आणि म्हणून त्यांनी ती स्वीकारली। बॉसने मीटिंग बुलाई क्या यार? आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।